के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बारात लेकर जा रही बस की चपेट में आने से मुंबई के अधेड़ की मौत। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को विद्यापीठ के छात्रों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल गड़वाघाट में 12वीं के छात्रों का फेयरवेल पार्टी आयोजित। और सिगरा थाना के रोडवेज नाइट मार्केट स्थित चाय की दुकान का ताला तोड़कर चोरी। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने मंगलवार को पुलवामा में आतंकी हमले के शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत पर मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। काशी विद्यापीठ के छात्रों ने छात्र नेता अंशु मिश्र के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों ने जवानों की शहादत की घटना को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी छात्रों ने शहीद जवानों के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में प्रिया राय, पीहू, अभिषेक मिश्रा, आकाश सोनकर, करण प्रजापति, हरिओम गुप्ता, प्रियांशु, रवि मिश्रा, साहिल यादव, सोनाली आकांक्षा, प्रियांशी, प्रीति रेहाना आदि शामिल रही। तकरीबन 4 वर्ष पूर्व पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं के लिए हम लोग आज उनका श्रद्धांजलि देकर माल्यार्पण कर उन लोग का कार्यक्रम किया गया है। और आशा करते हैं कि हम लोग जो 14 फरवरी का दिन है, जिसको बहुत से नए युवा वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम लोग उसको ख़त्म करने के कारण उसको ब्लैक डे और श्रद्धांजलि देकर ब्लैक शहीदों के लिए मनाया जा रहा है। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों को भारत माता मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मंगलवार को पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में भारत माता मंदिर में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय की अगुवाई में श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि हमारे देश के वीर जवान, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पण किया, उन सभी पुलवामा में शहीदों को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करता हूँ। निकम्मी भाजपा सरकार से यह प्रश्न आज भी उत्तर मांग रहा है कि शहीदों के परिवार के हाल पर सरकार उदास क्यों है। पुलवामा हमले में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? इतने चेक पोस्ट के बावजूद हमला कैसे हुआ? हमले की जिम्मेदारी अभी तक तय क्यों नहीं हुई? अभी तक जांच के लिए उच्च स्तरीय अधिकारी कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ? भाजपा सरकार का पुलवामा अटैक पर असंवेदनशील रवैया भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। इस अवसर पर राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर राजेश गुप्ता, देवेंद्र सिंह, मनीष मोरोलिया, सैयद हसन, राकेश चंद्र, राजेंद्र गुप्ता, असलम खान, तुफैल अंसारी, पीयूष श्रीवास्तव, श्रवण गुप्ता, किशन यादव, राज जायसवाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। काशी के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है भारत माता मंदिर, जो पूरे देश और दुनिया में अकेला मंदिर है भारत माँ का, वहाँ हम लोग आए। पुलवामा के हमारे शहीद जवानों को हम लोगों ने आके श्रद्धांजलि अर्पित किया। और निश्चित तौर से ऐसे बहादुर जाबाज हमारे देश के सैनिक, जो इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवाए, उनके लिए आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, उनको हम लोगों ने ऐसे नमन किया है। और उसमें निश्चित तौर से अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई, और कोई ये पता नहीं लगाया गया कि बम कहाँ से आया, कैसे ब्लास्ट हुआ और किस तरीके से हमारे जवानों की जान गई। वहाँ कई मंत्री भी गए थे उस परिवार से मुलाकात के लिए, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। अब इसीलिए तो हम लोग भाई आए हैं कि हम लोग भी गए थे। हम लोग प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं ऐसे महान जो हमारे देश के सैनिक, उनको हम लोग नमन करते हैं। उनके केवल वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए थे, बड़ी बड़ी बात करने के लिए गए थे। और चाहे वो हमारे यहाँ के रमेश यादव, फिर वहाँ पे विशाल पांडे जो पहले एक्सपायर हुए थे, फिर वहाँ पर जो पड़ाव के पास में था हमारा एक साथी, वहाँ का 2-3 घट उसमें थे हमारे बनारस के, उसमें कहीं गए। और मुझे लगता है कि केवल उन्होंने खाना पूर्ति की और मृतक आश्रित पर नौकरी तो मिलेगी,
वो उसमें नौकरी के समय उनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, तो उनको नौकरी थी। बाकी जो उनके नाम से कहा था गेट बनेगा, सड़कें बनेंगी, तमाम बातें घोषणाएं की थी, हम जहाँ तक मेरी जानकारी कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ये सरकार केवल और केवल झूठ बोलती है। मंगलवार की दोपहर सुंदरपुर में बारात लेकर जा रहे बस की चपेट में आने से 58 वर्षीय रामजीत धनराज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। चितेपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर के एक निजी अस्पताल के पास मंगलवार की दोपहर बारात लेकर जा रहे बस की चपेट में आने से वेस्ट नवी मुंबई के 58 वर्षीय रामजीत धनराज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बस का चालक मिर्जा मुराद क्षेत्र के बेनीपुर कुंडरिया निवासी रविंद्र कुमार विश्वकर्मा है। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस को राम जी के पास से आधार कार्ड मिला। कार्ड के अनुसार उनके पिता का नाम धनराज शर्मा है। धनराज शर्मा सी ब्रिज टावर नंबर 9 रूम नंबर 702 प्लॉट नंबर 16 सेक्टर 16 नेरुल नवी मुंबई के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राम जी पल्सर बाइक से लंका से सुंदरपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बारात लेकर गया जा रही टूरिस्ट बस उनकी बाइक में टक्कर मारी। राम जी बाइक समेत सड़क पर गिरे और इतने में वह बस के पिछले पहिए के नीचे आ गए। पल्सर गाड़ी से जा रहे थे, पीछे से बस आई। कहाँ पे घटना हुई? यहीं पे, ये उपकार हॉस्पिटल नेवादा में पड़ता है। उपकार हॉस्पिटल गेट के सामने घटना हुई है और वो व्यक्ति पल्सर से जा रहा था, बस बड़ी वाली बस से 60 स्पीड से बस जा रही थी, धक्का मारा और उसके पहिए के नीचे आदमी चला गया जिसका कि सर कुचल गया और ऑन स्पॉट एक्सपायर कर। कितने लोग थे? हेलमेट भी पहना था। घायल जो जिसकी मौत हुई है उसके साथ कितने लोग थे? उसके साथ एक व्यक्ति था। एक ही था? वही था। बस कहाँ की थी? बस तो आगे पकड़ाई है, पुलिस चौकी के पास पकड़ाई है गाड़ी। क्या सरकारी बस था? स्कूल का था? वो ट्रेवलर की बस, ट्रेवलर की बस। देखा जाता है भाई साहब, इस चंद कदमों पे चौकी है और यहाँ लगातार घटना होती है, क्या क्या मानना है? घटनाएं थोड़ा से प्रशासनिक लापरवाही, बस जो इतनी तेज से जा रही थी, ये घनी आबादी का रोड है, इतनी तेज स्पीड से बस नहीं जानी। नारायण रेखी सत्संग परिवार एवं अखिल मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का प्रथम चरण संपन्न हुआ। धर्मसंघ शिक्षा मंडल प्रांगण में नारायण रेखी सत्संग परिवार वाराणसी एवं अखिल मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 14 फरवरी मंगलवार को निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का प्रथम चरण सम्पन्न हुआ, जिसमें दिव्यांग भाई बहनों के हाथ एवं पैरों का नाप लिया गया। द्वितीय शिविर में इसे लगाया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अनुभवी डॉक्टर रोली शुक्ला एवं शिविर प्रभारी अखिलेश अग्निहोत्री के निर्देशन में शिविर में कार्य संपन्न हुआ। शिविर में लगभग 150 दिव्यांगों को सेवा प्रदान की गई। सर्वप्रथम शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र एवं पंडित जगजीतन पांडे द्वारा व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। संस्थान की ओर से अनिता जसरापुरिया, अनिता गिनोडिया, नीतू भालोटिया ने नारायण गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत अरविंद अग्रवाल ने किया। नारायण रेखी सत्संग परिवार वाराणसी की सेंटर हेड अनिता भालोटिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा मिशन है कि हर इंसान तन मन धन व संबंधों से स्वस्थ हो व हर घर में सुख शांति समृद्धि, हर व्यक्ति उन्नति प्रगति व सफलता प्राप्त करे। ये कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का हमने निःशुल्क कैंप लगाया है। जो लोग सक्षम नहीं है नारायण सेवा संस्थान से लगवाने के लिए, उनके लिए हमने निःशुल्क ये कैंप लगाया है। हमारे नारायण रेखी संस्था ने और मारवाड़ी वंश वरुणा शाखा के द्वारा ये निःशुल्क कैंप लगाया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम योगा ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसिलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वाघाट रमना वाराणसी, फोन
नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फोन नंबर 9549631 9495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल माँ गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट वाराणसी, मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी, मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, 2 गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोडवेज स्थित नाइट मार्केट के चाय सियासत की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकद सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ किया। सिगरा थाना के रोडवेज नाइट मार्केट स्थित चाय सियासत दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही छानबीन में जुटी रही। लड़तारा के राणा नगर कॉलोनी निवासी आदर्श सिंह की नाइट मार्केट में चाय सियासत नाम से दुकान है। सोमवार की रात दुकान बंद कर वो घर चले गए। देर रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 5,000 रुपये नकद, LPG सिलेंडर, पानी की पेटी समेत अन्य सामान पार कर दिया। मंगलवार की सुबह दुकानदार को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस को इससे अवगत कराया। सूचना के बाद सिगरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना करने के साथ ही घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लग सके। ये लाइन फिर से, ताकि चोरों का सुराग लग सके। घटना ये चौका घाट लड़तारा बीच नाइट मार्केट बना हुआ है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पे चोरी हुई है। क्या की शॉप है वहाँ पे, इसमें नाइट मार्केट के द्वारा ये कहा गया था क्या गार्ड उपलब्ध रहेंगे, CCTV कैमरा रहेंगे, 24 आवर्स सारी सुविधाएं मिलेंगी, कोई सुविधा नहीं मिला यहाँ पे और रात में चोरी हो गई यहाँ पे। अभी तक दुकान है कौन से पिलर नंबर पे है? ये पिलर नंबर 82 पे 82 नंबर दुकान है, चाय सियासत के नाम से है। यहाँ पे दुकान में गैस सिलेंडर था, 5,000 नकद रुपये थे और पानी के कैरेट, पेप्सी के कैरेट, सारे कैरेट से बांध रखी हुई है, हजारों की चोरी हुई है भैया। स्वामी हरसिवन पब्लिक स्कूल के गड़वा घाट शाखा में मंगलवार को 12वीं के छात्रों का फेयरवेल पार्टी आयोजित किया गया। स्वामी हरसिवन पब्लिक स्कूल गड़वा घाट रमना में मंगलवार को 12वीं के छात्रों का फेयरवेल आयोजित किया गया। विज्ञान एवं कॉमर्स के छात्रों को स्कूल के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने स्मृति चिन्ह देकर विदा किया। इससे पहले कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर्स के विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। रोरी और चंदन का माथे पर तिलक लगाकर सभी सीनियर्स का अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश धनानंद ने दीप प्रज्वलित कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात शुरू हुआ सिलसिला सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, एक से बढ़कर एक नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने दिया। कक्षा 12 के छात्रों में मोस्ट डिसिप्लिन्ड संजीव व खुशबू,
स्टूडियस स्वप्निल, मोस्ट इनोसेंट सुहानी तिवारी व मनीष यादव, मिस व मिस्टर फेयरवेल मुस्कान व निखिल प्रताप तथा मोस्ट क्रिएटिव अदिति मिश्रा रही। कार्यक्रम का संचालन योगेश राय ने किया। स्वामी हरसेवान पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा सदैव ही बच्चों के लिए कौतूहल का विषय रही है, पर आजकल वातावरण सभी के सहयोग से बच्चों के लिए बड़ा ही सकारात्मक हो चुका है। अब परीक्षा घबराने का नहीं अपितु उत्सव का प्रतीक बन चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें और उत्साही, जागरूक एवं जिम्मेदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। स्वागतम काशी फाउंडेशन द्वारा सुषमा स्वराज की जयंती पर उमाशंकर गुप्ता को सुषमा स्वराज पर्यटन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सुषमा स्वराज की जयंती पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुषमा स्वराज पुरस्कार स्वागतम काशी फाउंडेशन द्वारा काशी में पर्यटन, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को दिया जाता है। उसी के क्रम में 2023 का सुषमा स्वराज पर्यटन पुरस्कार काशी यात्रा के उमाशंकर गुप्ता को दिया गया। संस्था के संयोजक अभिषेक शर्मा ने बताया कि यह पुरस्कार पिछले 3 सालों से दिया जा रहा है और आज हमें गर्व की अनुभूति हो रही कि हम काशी की ऐसी अमूल्य धरोहर का सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बलराम गुरु, अनूप सेठ, श्रवण कुमार, करण सिंह, वैभव, जीतू केसरी, मुकुंद शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। गुप्ता जी को सुषमा स्वराज पर्यटन पुरस्कार दिए हैं, आज उनकी जयंती भी है और वास्तव में काशी की अमूल्य धरोहर है उमाशंकर गुप्ता गुरु जी, जो काशी यात्रा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।